हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिव इन टुडे ब्लॉग यानी कि निवेदिता के बारे में। वीडियो में जाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचती है या आपके जो भी आपके सजेशन में ये वीडियो आती है तो प्लीज़ एक बार क्लिक ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपके एक क्लिक से या एक शेयर करने से इस वीडियो को किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। मेरे इस वीडियो को बनाने का आज कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि मेरे व्यूज़ बढ़े या कुछ ऐसा हो। मैं सिर्फ आज मैंने एक ब्लॉग देखा इनका, जिसमें कि मैंने इनको एक बहुत ही ज़्यादा रोते हुए और बहुत ही दर्द में देखा, जो कि मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि इनके साथ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैंने इनके अंदर चैनल में जाके बहुत सी वीडियोस देखी तो मुझे पता चला कि ये एक सिंगल मदर है जिनका एक छोटा बेटा है। इनके पति ने इनको कुछ तो अलग है, ये अपने पति से किसी रीज़न की वजह से ये दोनों अलग रहते हैं, जिसकी वजह से इनका बेटा इन्हीं के साथ रहता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। और दूसरी, जब मैंने इनके वीडियोस में देखा तो मुझे ये पता चला कि इनके जो हस्बैंड है वो इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इनके बेटे का पूरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो खर्चा स्कूल का हो चाहे कुछ भी हो, वो ये सिर्फ इनके ऊपर है और ये अपने मायके में रहती है। तो मुझे ये सोच के बहुत ही ज़्यादा हैरानगी हुई और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई कि कैसे एक सिंगल मदर अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए बहुत कुछ यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रही है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता होता है कि आफ्टर मैरिज मायके में रहना इट्स नॉट ए ईजी टास्क, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, एक एक बात छुपती है, चाहे वो हमारे अपने घर वाले क्यों ना हों, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं वो फील ज़रूर करवाते हैं कि हम या फिर कोई भी जो मायके में रहता है उनके ऊपर भार है। तो निवेदिता जी इन सब चीज़ों के चलते अपने मायके में रहती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लेडी है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचे तो प्लीज़ उनके चैनल को शेयर करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर मैं अपने टैग्स में हैशटैग्स में उनका चैनल टैग कर दूँगी। ये सिर्फ एक उनके सपोर्ट में मैंने वीडियो बनाई है कि आप उस जो वो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती है, क्योंकि शायद अभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके थोड़ा सा सपोर्ट या थोड़ा सा उनके चैनल को शेयर करने से उनकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। गाइज, अगर हम देखते हैं कि हम YouTube पे कुछ भी उल्टा सीधा देख लेते हैं जिसका कुछ भी सर पैर नहीं होता है, तो इससे अच्छा है कि हम किसी को ऐसे को सपोर्ट करें जिसको सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। और जो आपकी सपोर्ट को, जब आप उनको सपोर्ट करते हैं तो वो आभारी रहे। और दूसरी बात कि आपकी सपोर्ट से किसी की लाइफ बन सकती है, किसी का अच्छा फ्यूचर हो सकता है, तो उनको आप ज़रूर सपोर्ट करें। वो एक सिंगल मदर है, मैं फिर से कहना चाहती हूँ एक सिंगल मदर है, और आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि वो कुछ जब मतलब अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती है। और शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग लेडी, बट कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मोड जरूर आता है कि जब हम बिल्कुल ही टूट जाते हैं, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आगे रास्ता क्या होगा या फिर आगे हम कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि वो फिर से उठेगी, स्ट्रांग है, फिर से अपने बच्चे के लिए खड़ी होगी। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्यों ना हम भी उनको सपोर्ट करें उनको खड़ा होने के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को गिराते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा पार्ट बने, उन लोगों में हम शामिल हो जाए जो दूसरों को बनाते हैं, जो दूसरों को संभालते हैं, जो दूसरों को दुखों में उठाते हैं। तो चलिए गाइज, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचती है इस वीडियो के थ्रू आप उनके चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। गाइज, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो निवेदिता जी है वो यूपी से है और यूपी के बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी जैसे कि प्रिया दीप है, यूपी ब्लॉगर आराध्या है, या और भी बहुत सारे जैसे लखनऊ गर्ल रुचि है, ये सब लोग यूपी से बिलोंग करते हैं। तो प्लीज़ आप भी निवेदिता जी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से आपके सब्सक्राइबर कम नहीं होंगे, लेकिन उनको ज़रूर कुछ
ना कुछ सपोर्ट मिलेगी, और जैसे कि वो आपके स्टेट आपके स्टेट से हैं तो आप उनको डेफिनेटली सपोर्ट कीजिए। चाहे आप एक ही वीडियो में उनका छोटा सा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके चैनल का थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए और उनके चैनल का नाम आप दे दीजिए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। क्योंकि उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि यूट्यूब की दुनिया में उन्हें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, वो अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँची है। तो कितने ही, मुझे तो लगता है कि बहुत ही शर्म की बात है कि हम अपने ही स्टेट के या अपने ही एरिया के लोगों को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो गाइज प्लीज़, खासकर यूट्यूबर से मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करें उन्हें।